हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि सावन मास में सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है, सावन के महीने में भोलेनाथ की आराधना क्यों की जाती है, सावन के महीने में सोमवार के व्रत को क्यों महत्व दिया जाता है। सावन का महीना लगते ही भोलेनाथ की जय जयकार क्यों बोल ली जाती है। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। भोलेनाथ की आराधना और पूजा के लिए इस महीने को सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में सावन के सोमवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। सावन में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। कहते हैं कि सावन मास में भगवान शिव धरती पे उतरते हैं और इस पूरे महीने वो धरती पे ही विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हरियाली बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव धरती पे वास करते हैं। इसलिए जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें वो मनवांछित फल देते हैं। कहते हैं कि इस महीने में बस बेलपत्र ही चढ़ाने से भगवान शिव खुश हो जाते हैं और उन्हें दुखों से मुक्ति देते हैं। अब बात करते हैं सावन में सोमवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं। ये व्रत मनवांछित फल प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं, सुख समृद्धि और खुशियों के लिए रखे जाते हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, सुखमय शादीशुदा जीवन बिताने के लिए भी रखा जाता है ये व्रत। अगर कोई विवाहित महिला ये व्रत रखती है तो उसके पति के जीवन में ही नहीं बल्कि उसके बच्चों के जीवन में ही सुख समृद्धि बनी रहती है। और कुंवारी लड़कियां मन चाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं, आप जिस मकसद से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, इस महीने में व्रत रखने से आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इस व्रत के दौरान केवल फलाहार ही किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।